हेलो बच्चों, हाउ आर यू? दिस इज अतुल सिन्हा। नाउ दिस इज द थर्ड लेक्चर ऑफ फिजिक्स। एज आई हैव प्रॉमिस बिफोर यू दैट आई विल ब्रिंग ऑल सिलेबस ऑफ द जीएस पोर्शन फॉर द ऑल यूपीएससी कॉम्पिटेटिव एग्जाम। बच्चों, मैंने बोला था कि सभी यूपीएससी के एग्जाम के लिए मैं जीएस पेपर का फुल सिलेबस लेके आऊंगा, जिसमें मैंने फिजिक्स के दो लेक्चर डाले हैं। दिस वन इज फॉर थर्ड लेक्चर एंड स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर एनडीए स्टूडेंट्स। एनडीए का पेपर चूंकि सबसे पहले है तो उनको ध्यान में रखते हुए, ऑल्दो दिस सिलेबस और दिस कोर्स विल हेल्प ऑल टाइप ऑफ स्टूडेंट्स। तो हमने पहले किया है लॉ ऑफ इनर्सिया, उसके बाद हमने किया है ग्रेविटेशन, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नाउ टुडेज टॉपिक इज वर्क एंड एनर्जी। बच्चों, एज वी नो वर्क, व्हाट इज वर्क? कार्य किसे कहते हैं? वर्क इज सेड टू बी डन इफ द फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजिशन। कार्य संपादित हुआ माना जाता है जब किसी वस्तु पर बल लगाते हैं और वस्तु में विस्थापन उसके मूल स्थान से हो। बोलो बेटा, ओरिजिनल पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट हो तब वर्क मानेंगे। वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स, ठीक है ना, किसी नियत बल के द्वारा किया गया कार्य में क्या होता है, द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट में भी लगाया गया बल और विस्थापन, अगर पहला केस है सेम है तो W is equal to F into S, W is equal to F into S, work done is equal to force supplied into displacement हो जाएगा, work is positive। अगर that is the direction of the force and displacement may be opposite, फोर्स लगा रहे हैं कहीं और अगर उसमें डिस्प्लेसमेंट तो उसके उल्टे दिशा में हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, तब क्या होगा बच्चों? W is equal to minus F into S, वर्क इज निगेटिव। एग्जाम्पल हो गया वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, घर्षण बल द्वारा लगाया गया बल निगेटिव होता है। अब मैं क्लास में पूछता हूं बच्चों से कि अगर हम नॉर्थ डायरेक्शन में चल रहे हैं, साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगता है? तो बच्चे बताते हैं कि हम साउथ से नॉर्थ जा रहे हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ लग रहा है? तो साउथ की तरफ। गलत है, रॉन्ग। अगर हम नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहे हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ लग रहा है? नॉर्थ डायरेक्शन में, क्योंकि एक्शन के अगेंस्ट रिएक्शन होता है। हम तो साउथ की तरफ फोर्स लगा रहे हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स कहां तरफ लग रहा है? नॉर्थ की तरफ, जिधर जा रहे हैं उधर ही फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट थ्रोन अपवर्ड इज निगेटिव। अगर कोई वस्तु ऊपर जा रही है तो उस ऑब्जेक्ट के द्वारा अगर कोई व्यक्ति कोई ऊपर लेके जा रहा है, इसमें भी बच्चे गलत करते हैं, क्वेश्चन बिल्कुल गलत होता है अच्छे अच्छे खासे पढ़े लिखे बच्चों का। ऊपर जब जा रहे हैं तो अगर हम कोई ऑब्जेक्ट लेके जा रहे हैं तो हमारे द्वारा किया गया कार्य पॉजिटिव होगा, बट ग्रेविटी का फोर्स निगेटिव, दैट इज वर्क निगेटिव होगा। द वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन द ऑब्जेक्ट थ्रोन अपवर्ड इज निगेटिव, ग्रेविटी का काम निगेटिव होगा। गॉट इट? द फोर्स एक्टिंग ऑन परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट, देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, द वर्क डन इज जीरो। W इज इक्वल टू F इनटू जीरो, क्या होगा? जीरो। अगर हम कोई ऑब्जेक्ट अपने सर पे माथा पर लेके अगर कोई जा रहा है ओरिजेंटल डायरेक्शन में, हाथ में ब्रीफकेस लेके जा रहे हैं, है ना, अगर वो तुमको स्टेशन पे हम कोई सामान माथे पर लेके जा रहे हैं, सर पे लेके जा रहे हैं, तो हमारे द्वारा किया गया कार्य जीरो। फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट जिधर हो रहा है उसके परपेंडिकुलर हो, तो एफ कॉस 90 जीरो होता है, नो वर्क डन। एफ इज इक्वल टू कॉस थीटा आएगा, कॉस 90 हो जाएगा जीरो, नो वर्क इज डन। ठीक है,
ठीक है ना, अगर आप परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, वर्क हो रहा है उसके 90 डिग्री के एंगल पे, तो नो वर्क इज डन। और चौथा केस क्या है, फोर्स कॉजिंग नो डिस्प्लेसमेंट, नो डिस्प्लेसमेंट एस जीरो, नो वर्क इज डन। अगर कोई दीवार में धक्का दे रहा है, दीवार में डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ तो वर्क जीरो। बट पूछा जाएगा कि क्या आपके बॉडी के ऊपर कार्य हुआ, तो यस हो गया, आपका शरीर में वियर एंड टियर हुआ। वर्क इज स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि है, यूनिट इसका है न्यूटन मीटर, NM, जिसको जेम्स प्रेस्कॉट जूल के नाम पे क्या दिया गया है, जूल। वन जूल वर्क इज सेड टू बी डन ऑन एन ऑब्जेक्ट व्हेन अ फोर्स ऑफ वन न्यूटन डिस्प्लेसेस इट बाय वन मीटर अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स। एक जूल कार्य संपादित माना जाएगा यदि किसी वस्तु पर एक न्यूटन का बल लगाया जाए और उस वस्तु में विस्थापन एक मीटर हो जो उस लगाए गए बल की दिशा में हो। गॉट इट। वर्क डन बाय ए फोर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ द फोर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट and the displacement through which the part of application of the force moves. अगर किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है और उस बल का कुछ हिस्सा ही उसमें विस्थापन करता है, पूरा का पूरा बल विस्थापित नहीं कर रहा है बल्कि उसका फ्रैक्शन करता है, तब cos theta आ जाएगा। cos theta come into figure, w equal to f cos theta s हो जाएगा। जैसे मैंने ये डायग्राम में दिखाया है बेटा कि ये हॉरिजॉन्टल प्लेस है, ये कोई व्हील है, कोई दो व्हील है, और ये बच्चा ऐसे खींच रहा है, फोर्स इधर लगा रहा है, पूरा फोर्स नहीं बल्कि ये थीटा जो है हॉरिजॉन्टल के साथ बन रहा है, दैट थीटा इट विल कम इन फिगर, तो एफ एस कॉस थीटा हो जाएगा। एफ एस कॉस थीटा, कॉस का जो भी वैल्यू आएगा उसको हम दैट इज मल्टीप्लाई करेंगे डिस्टेंस से, तब वर्क आएगा। When the body move in a direction perpendicular to direction of force, then no work is done. Perpendicular हो जाएगा तो cos 90, theta 90, f cos 90 is equal to zero. We have already discussed, इसके पहले हमने कर लिया। ठीक है, work done in lifting a body. अभी मैंने बचाया कि work done in lifting a body अगर ऊपर लेके जा रहे हैं तो weight of the body into vertical displacement क्या हो जाएगा, W is equal to M into G into H. There must be energy transfer when we do work on any object. The force of gravity of earth act on a satellite at the right angle to the direction of the motion of satellite. So the work done by the force of gravity is zero, always zero. बेटा अगर किसी प्लानेट के अराउंड, जैसे अर्थ के अराउंड मून रिवॉल्व कर रहा है या कोई आर्टिफिशियल सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है, तो उस आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो सर्कुलर मोशन में है, कोई भी सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट है, तो उसका सेंटर के साथ अर्थ के अराउंड मूव कर रहा है, तो अर्थ के साथ ऑलवेज 90 डिग्री का वर्क दैट इज एंगल बनेगा, राइट एंगल बनेगा, तो इसलिए वर्क डन बाय द सैटेलाइट इज जीरो। The force of gravity of the earth act on a satellite at the right angle. Gravity ka work is pe, that is force lagta hai right angle pe to the direction of the motion of the satellite. Agar koi satellite circular motion mein hai, to uska har jagah pe tangent banate hue us object ko seedhe nikal jana chahiye tha. Lekin wo central seeking force lagta hai jisko centripetal force karte hain. तो सेंटीपिटल फोर्स के अराउंड वो चारों तरफ सर्कुलर मोशन में मूव करता है। सर्कुलर मोशन में मूविंग ऑब्जेक्ट का एंगल हमेशा 90 डिग्री बनता है सेंटर से, तो उसका वर्क डन जीरो हो जाएगा। उसके पहले मैंने फिर से एक बार क्लियर कर दूं कि वर्क डन इन लिफ्टिंग अ बॉडी इज इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी, तो वेट ऑफ द बॉडी क्या होता है, एम इंटू जी, वेट फोर्स इंटू एच, हाइट हो जाएगा। तो मैं बताया कि इफ द वर्क डन ऑन एनी ऑब्जेक्ट देन देयर मस्ट बी एनर्जी ट्रांसफर, एनर्जी ट्रांसफर जरूर होता है, तो एनर्जी ट्रांसफर होता है, तो इसीलिए वर्क का एसआई यूनिट जूल है और एसआई यूनिट ऑफ द एनर्जी जूल।
there must be energy transfer when we do work on any object. किसी ऑब्जेक्ट पे काम करते हैं तो उस पे वर्क जो दैट इज उस पे एनर्जी दैट इज उस पे एनर्जी ट्रांसफर होता है. तो वर्क डन ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू एनर्जी ट्रांसफर, एनर्जी ट्रांसफर इन दैट वेरी ऑब्जेक्ट. दैट्स व्हाई एनर्जी का भी ऐसा यूनिट जूल, वर्क का भी ऐसा यूनिट जूल. अब आ जाओ एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट दैट इज ऑल अबाउट वर्क. में इसमें हम क्वेश्चन जो क्लास में हमको कराए हैं उसको कीजिए. And when we become live, तो इसके हम question बहुत सारे कराएंगे. Okay, energy क्या है? Energy is the capacity to do work. Next topic energy है. Energy is the capacity to do work. कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं. There is always a transfer of energy when work is done. जब कभी कार्य किया जाए तो उसमें ऊर्जा का स्थानांतरण होता है. That's why unit of energy is also joule. Got it? उसके बाद आ जाओ one joule of energy is the energy required to do one joule of work. One joule energy कितना हुआ? तो एक joule energy का एक joule कार्य करने में जितना energy लगेगा उसको one joule कहेंगे. तो joule बहुत छोटा unit है. That's why bigger unit we take as what is kilo joule. One kilo joule बराबर 1000 जूल, उससे भी बड़ा वही यूनिट होता है मेगा जूल. 1 मेगा जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 6 जूल. आ चुका है क्वेश्चन, ठीक है ना, कि मेगा वाट. वाट आया है कि दैट इज एनर्जी प्रोड्यूस और एनर्जी कंज्यूम्ड, ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं. या मेगा आ जाएगा तो 10 टू द पावर 6 होता है, ठीक है ना. अब आ जाइए, एनर्जी हैज वेरियस फॉर्म. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें क्वेश्चन हमेशा आते हैं कि एनर्जी हैज वेरियस फॉर्म. ऊर्जा के कई रूप होते हैं. फॉर एग्जांपल मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी, नाभिकीय ऊर्जा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विद्युतीय ऊर्जा, मस्कुलर एनर्जी, मांसपेशीय ऊर्जा, हीट एनर्जी, तापीय ऊर्जा, ओशन थर्मल एनर्जी, समुद्रीय तापीय ऊर्जा, बायोमास एनर्जी दैट इज जैविक ऊर्जा, मैग्नेटिक एनर्जी है ना दैट इज चुंबकीय ऊर्जा, हाइड्रो एनर्जी दैट इज जलीय ऊर्जा, केमिकल एनर्जी रासायनिक ऊर्जा, विंड एनर्जी दैट इज पवन ऊर्जा, साउंड एनर्जी ध्वनि ऊर्जा, सोलर एनर्जी सूर्य ऊर्जा, जियोथर्मल एनर्जी भूतापीय ऊर्जा, लाइट एनर्जी प्रकाशीय ऊर्जा, टाइडल एनर्जी दैट इज ज्वार भाटा का ऊर्जा, एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी विद्युत चुंबकीय ऊर्जा इत्यादि इत्यादि, ठीक है. तो ये सारे फॉर्म ऑफ एनर्जी में मैं तीन पॉइंट आपको बहुत थ्योरेटिकल बताऊंगा कि आउट ऑफ ऑल दिस फॉर्म ऑफ एनर्जी पूछा जाएगा कि ह्यूमन बींग स्टार्टेड यूजिंग फर्स्ट ऑफ ऑल Which energy? So its own muscular energy in lifting the substance unknowingly. अनजाने में मनुष्य ने सबसे पहले अपने मांसपेशी ऊर्जा का इस्तेमाल वस्तुओं को उठाने में किया. Okay, knowingly, जानबूझकर, knowingly human being first of all started using विंड एनर्जी इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर इन विनोइंग. ऊपर से ऐसे अनाज गिराते थे है ना, उसके झोंके से क्या होता था, हवा के झोंके से दैट इज हस्क बाहर निकल जाएगा और फूड ग्रेन नीचे गिर जाएगा, तो दैट इज कॉल्ड विनोइंग, जिसको आज थ्रेसर मशीन थ्रेसिंग कहते हैं. थ्रेसर मशीन से बाहर किया जाता है, अलग किया जाता है. तो जानबूझ कर हमने पवन ऊर्जा का इस्तेमाल किया, अनजाने में हमने पवन दैट इज अपनी मांसपेशी ऊर्जा का इस्तेमाल किया. ओके, नेक्स्ट पॉइंट है कि आउट ऑफ ऑल दिस फॉर्म ऑफ एनर्जी द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इज सन. बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑल एनर्जी ऑन द अर्थ इज सन एक्सेप्ट न्यूक्लियर एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, नाभिकीय ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा. इन चारों को छोड़कर बाकी सभी ऊर्जा का स्वरूप क्या है, तो सूर्य ऊर्जा का ही अलग अलग स्वरूप है.
all the other form are manifestation of solar energy. Out of all these form of energy, the most important in physics is mechanical energy. है ना, भौतिकी में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? यांत्रिक ऊर्जा. इट इज द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी. स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग हम क्या कहते हैं? यांत्रिक ऊर्जा. यू कैन डिफाइन द मैकेनिकल एनर्जी एज द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी. स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इट इज द मैक्रोस्कोपिक एनर्जी एसोसिएटेड विद ए सिस्टम. मैक्रोस्कोपिक एनर्जी है. द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी स्टेट्स दैट इन एन आइसोलेटेड सिस्टम दैट इज ओनली सब्जेक्ट टू कंजर्वेटिव फोर्स एंड मैकेनिकल एनर्जी इज कॉन्स्टेंट. मैकेनिकल एनर्जी किसी आइसोलेटेड सिस्टम में है ना कंजर्वेटिव फोर्स के दैट इज अंडर हमेशा कॉन्स्टेंट होता है. अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर उठा के हमने 5 मीटर की ऊंचाई पे रख दिया तो वो पाथ दैट इज डिपेंडेंट नहीं होता. चाहे वर्टिकल ले जाए चाहे जितना ले जाए, एम इंटू जी इंटू एच ही उसका वैल्यू आएगा, उसमें एनर्जी आएगा. इफ एन ऑब्जेक्ट मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ए कंजर्वेटिव नेट फोर्स द पोटेंशियल एनर्जी विल इंक्रीज. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, नेट कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट तुम काम करोगे, अपोजिट काम करोगे है ना, अगर मूव करोगे ऑब्जेक्ट को तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा. इफ एन ऑब्जेक्ट मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ए कंजर्वेटिव नेट फोर्स द पोटेंशियल एनर्जी विल इंक्रीज. इफ द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट चेंजेस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस. ना काइनेटिक एनर्जी क्या है? एनर्जी पजेस्ट बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन. किसी वस्तु में गति में होने के चलते जो प्राप्त ऊर्जा है उसको गतिज ऊर्जा कहते हैं. तो अगर हम उसके स्पीड में चेंज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा. वेरी सिंपल. इन ऑल रियल सिस्टम हाउएवर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज सच एज फ्रिक्शनल फोर्सेज विल बी प्रेजेंट. है ना, हमारे डेली लाइफ में रियल लाइफ में फ्रिक्शनल फोर्स ही होता है, घर्षण बल होता है. बट इफ दे आर ऑफ नेग्लिजिबल मैग्नीट्यूड द मैकेनिकल एनर्जी चेंजेस लिटिल. अगर घर्षण बल बहुत ही कम हो तो मैकेनिकल एनर्जी में बहुत थोड़ा परिवर्तन आएगा. एंड इट्स कंजर्वेशन इज ए गुड एप्रोप्रिएशन, मीन्स इट कैन बी कंसिडर्ड एज द कंजर्व. If frictional force is less, very negligible, then we can say that mechanical energy is a bit conserved. In elastic collision, the mechanical energy is conserved. Elastic collision में mechanical energy हमेशा conserved होता है बच्चों. But in inelastic collision, some mechanical energy is converted into thermal energy. कहीं भी inelastic collision होगा तो उसमें thermal energy के रूप में कुछ energy dissipate होगा. So it was first of all stated or perceived very very efficiently by James Prescott Joule. हम पहले एनर्जी को क्या जानते थे कि कोई एक स्पंज है उसको स्क्वीज कर देंगे तो उससे जैसे वाटर निकल जाता है, उससे एनर्जी खत्म हो जाएगा. But the equivalence between the lost mechanical energy, that is dissipation, and an increase in temperature was discovered by James Prescott Joule in his mechanical equivalence of heat. जेम्स ब्रेस्कॉट जूल का एक मैकेनिकल इक्विवेलेंस ऑफ हीट का एक एक्सपेरिमेंट आया था कि उसने कैलोरीमीटर ले लिया, उसको उसके वाल को कोरोगेटेड कर दिया, उसमें एक उसने दैट इज फैन के ब्लेड लाइक स्ट्रक्चर बना दिया और उसपे एक पुली लगा दिया, दूसरी तरफ एक पुली लगा के उसमें मास रख दिया और मास को ऐसे ऐसे जैसे टॉप होता है ऐसे घूमता हुआ ऐसे घूमते घूमते नीचे जमीन पे गिरने के लिए छोड़ दिया. तो m into g into h, mass into gravity into height, जितना mgh का loss हुआ, जितना work done हुआ, उस object को, that is उस top को नीचे तक आने में weight को, उतना ही वो उधर से, that is blade को घुमाया calorimeter में और temperature rise किया, दोनों का approximation कर लिया, equivalent कर लिया और कहा कि जितना mechanical work हम करते हैं उतना heat produce होता है.
मैकेनिकल एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड, वर्क कैन बी कन्वर्टेड इनटू हीट, तो इसी को कहते हैं मैकेनिकल इक्विवेलेंस ऑफ हीट, और इसी के नाम पे, इसी के चलते जो है परस्पर जूल के नाम पे ऐसा यूनिट ऑफ वर्क इज जूल, ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी जूल। मैकेनिकल एनर्जी इज ऑफ टू टाइप एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। फर्स्ट वन इज पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी पजेस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स पोजिशन। पोजिशन का मतलब हाइट, सरफेस से ऊंचाई पे, और चेंज इन शेप और कॉन्फिगरेशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। स्थिति ऊर्जा बच्चों दो तरह से हो सकता है, एक मैंने बताया एनर्जी पजेस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स हाइट, ड्यू टू इट्स पोजिशन मीन्स हाइट, किसी वस्तु के स्थिति यानी ऊंचाई के चलते प्राप्त ऊर्जा को स्थिति ऊर्जा कहते हैं, और दूसरा क्या है चेंज इन शेप और कॉन्फिगरेशन। अगर हम रबर बैंड को स्ट्रेच कर दें तो उसमें क्या आ गया पोटेंशियल एनर्जी, अगर हमने किसी बुक को ऐसे फोल्ड कर दिया तो उसमें क्या आ गया पोटेंशियल एनर्जी, खोलेंगे तो वर्क करेगा। ओके, कॉन्फिगरेशन चेंज से एनर्जी को क्या कहते हैं चेंज जो प्राप्त होता है उसको कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड म्यूचुअल एनर्जी, म्यूचुअल एनर्जी भी कहते हैं। तो एनर्जी पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एम इंटू जी इंटू एच, मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज द पाथ इंडिपेंडेंट, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, पाथ से डिपेंड नहीं करेगा, चाहे तुम घुमा के ले जाओ चाहे सीधे वर्टिकल ले जाओ, एम इंटू जी इंटू एच एनर्जी उसमें आया। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो कॉन्फिगरेशन के चेंज के चलते होगा, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू कॉन्फिगरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, उसको इलास्टिक पोटेंशियल कहेंगे। इसमें आपको क्वेश्चन और इससे ज्यादा नहीं आएगा। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, सेकेंड आ जाओ, काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी पजेस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, किसी वस्तु के गति अवस्था में होने के चलते प्राप्त ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। एनर्जी काइनेटिक इज इक्वल टू हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर, हाफ इंटू मास इंटू दैट इज वेलोसिटी का स्क्वायर होता है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी, किसी वस्तु के द्रव्यमान के समानुपाती होता है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, उसके वेग के स्क्वायर के समानुपाती होता है। इफ द मास, अब तो ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गया पोटेंशियल काइनेटिक। नाउ कंक्लूड, वी कैन कंक्लूड दैट इफ द मास ऑफ ए बॉडी इज डबल, इट काइनेटिक एनर्जी गेट्स डबल जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसी वस्तु के द्रव्यमान को दुगुना कर दिया जाए तो उसमें गतिज ऊर्जा दुगुना हो जाएगा। इफ द मास ऑफ ए बॉडी इज हाल्व, इट्स काइनेटिक एनर्जी आल्सो गेट हाल्व, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान आधा कर दिया जाए तो उसका गतिज ऊर्जा भी आधा हो जाएगा, प्रोवाइडेड वेलोसिटी रिमेन सेम, अगर वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं किया जाता है तब। और ऊपर वाला में भी वही था कि मास ऑफ द बॉडी डबल है ना, और उसका उसका वेलोसिटी रिमेन द सेम, द काइनेटिक एनर्जी गेट डबल। नेक्स्ट है कि इफ द वेलोसिटी ऑफ बॉडी डबल, इट्स काइनेटिक एनर्जी बिकम्स फोर टाइम, मास को डबल करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी डबल होगा, मास को हाल्व करेंगे काइनेटिक एनर्जी हाल्व होगा, लेकिन वेलोसिटी को डबल करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी फोर टाइम हो जाएगा। एंड इफ द वेलोसिटी इज हाल्व देन द काइनेटिक एनर्जी बिकम वन फोर्थ, क्योंकि स्क्वायर से बढ़ रहा है घट रहा है। इफ द हेवी बॉडी मूव विद हाई वेलोसिटी इट हैज मोर काइनेटिक एनर्जी, इफ हेवी बॉडी मूव विद हाई वेलोसिटी इट हैज मोर काइनेटिक एनर्जी, भारी वस्तु ज्यादा गति से चलेगा तो उसमें गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी than slow moving body of small mass, धीमी गति से चलने वाले कम द्रव्यमान के वस्तु से ज्यादा द्रव्यमान वाले तेज गति से चलने वाले वस्तु में गति ऊर्जा ज्यादा होगी। A driver increases the speed of his car on approaching a hilly road to give more kinetic energy to the car so that it may go up against the gravity. किसी भी खड़ी चढ़ाई में, चढ़ाई वाले इलाके में, माउंटेन रीजन में जाते समय गाड़ी का ड्राइवर अपने गाड़ी के गति को बढ़ा देता है ताकि उसको ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा मिल जाए, सॉरी
एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन नेक्स्ट टॉपिक. दिस इज ऑल अबाउट बेटा काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी के जितने पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए इस पे आप क्वेश्चन कीजिए. नेक्स्ट आ जाइए एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, ऊर्जा का रूपांतरण, दैट इज ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर, एक वस्तु से एक रूप से दूसरे रूप में ऊर्जा का स्थानांतरण, ठीक है ना, रूपांतरण. पहला आ जाओ मैकेनिकल इंटू इलेक्ट्रिकल क्वेश्चन आता है यहाँ से. यांत्रिक ऊर्जा का विद्युतीय ऊर्जा में रूपांतरण एग्जाम्पल क्या होगा, तो वाटर बिहाइंड द डैम, बांध के पीछे का पानी. पहले पोटेंशियल होता है वो काइनेटिक में बदलता है, काइनेटिक से फिर वो टर्बाइन को चलाएगा तो इलेक्ट्रिकल में चेंज होगा. सेकेंड आ जाओ इलेक्ट्रिकल इंटू मैकेनिकल, विद्युतीय ऊर्जा का रूपांतरण यांत्रिक ऊर्जा में, एग्जाम्पल क्या हो गया, ट्रेन, फैन, वॉशिंग मशीन, मिक्सर, ग्राइंडर्स एटसेट्रा. नेक्स्ट हो गया इलेक्ट्रिकल टू हीट, विद्युतीय ऊर्जा का रूपांतरण तापीय ऊर्जा में, हीटर, गीजर, टोस्टर, ओवन, माइक्रोवेव एटसेट्रा एटसेट्रा. नेक्स्ट है तुमको हीट इंटू मैकेनिकल, तापीय ऊर्जा का रूपांतरण यांत्रिक ऊर्जा में, एग्जाम्पल हो गया स्टीम इंजन, ताप इंजन. नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल इंटू लाइट एनर्जी, विद्युतीय ऊर्जा का रूपांतरण प्रकाशीय ऊर्जा में, एग्जाम्पल क्या हो गया, बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब, फ्लोरेसेंट ट्यूब जो घरों में जलता है, फ्लड लाइट जो रोड पे जलता है. इलेक्ट्रिकल टू साउंड, विद्युतीय ऊर्जा का रूपांतरण ध्वनि ऊर्जा में, इलेक्ट्रिक बेल, स्टीरियो, लाउड स्पीकर, ये सब एग्जाम्पल हो गया. केमिकल टू हीट, केमिकल एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण तापीय ऊर्जा में, एग्जाम्पल क्या हो गया, व्हेन फ्यूल इज बर्न, जब कोई वस्तु कोई ईंधन को जलाया जाता है. इलेक्ट्रिकल टू केमिकल, विद्युतीय ऊर्जा का रूपांतरण या रासायनिक ऊर्जा में, व्हेन अ बैटरी इज चार्ज, जब किसी बैटरी को चार्ज किया जाता है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड होता है, दैट इज केमिकल एनर्जी में. साउंड टू इलेक्ट्रिकल, ध्वनि ऊर्जा का रूपांतरण, दैट इज विद्युतीय ऊर्जा में, एग्जाम्पल क्या हो गया, माइक्रोफोन. माइक्रोफोन में हम बोलते हैं तो पहले इलेक्ट्रिकल साउंड एनर्जी इलेक्ट्रिकल में बदलेगा, फिर इलेक्ट्रिकल से साउंड में बदलेगा. केमिकल टू इलेक्ट्रिकल, मैनर दैट इज इलेक्ट्रॉनिक शेल, रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण विद्युतीय ऊर्जा में शेल में होता है. लाइट इंटू इलेक्ट्रिकल, विद्युतीय तापीय ऊर्जा, दैट इज प्रकाशीय ऊर्जा का रूपांतरण विद्युतीय ऊर्जा में, सोलर सेल सोलर पैनल में लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट किया जाता है. नेक्स्ट है बेटा केमिकल इंटू मैकेनिकल, रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण यांत्रिक ऊर्जा में, दैट इज ऑटोमोबाइल. एग्जाम्पल है इन ऑटोमोबाइल्स द केमिकल एनर्जी ऑफ पेट्रोल डीजल सीएनजी इज कन्वर्टेड इंटू मैकेनिकल एनर्जी, है ना, पेट्रोल डीजल सीएनजी का रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण यांत्रिक ऊर्जा में होता है. नेक्स्ट है कि लाइट इंटू केमिकल, प्रकाशीय ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में, एग्जाम्पल हो गया फोटोसिंथेसिस. सनलाइट एनर्जी कन्वर्टेड इंटू बायोलॉजिकल और केमिकल एनर्जी, ठीक है ना. उसके बाद आ जाओ न्यूक्लियर टू इलेक्ट्रिकल, नाभिकीय ऊर्जा का रूपांतरण, दैट इज तापीय विद्युतीय ऊर्जा में, नाभिकीय ऊर्जा का रूपांतरण विद्युतीय ऊर्जा में, एग्जाम्पल क्या हो गया, न्यूक्लियर रिएक्टर. न्यूक्लियर टू इलेक्ट्रिकल एग्जाम्पल न्यूक्लियर रिएक्टर, परमाणु भट्टी. ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी. नाउ माय पॉइंट इज दैट व्हेन मैकेनिकल एनर्जी चेंजेस इनटू अदर फॉर्म, इट इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड नॉट इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. जब कभी भी यांत्रिक ऊर्जा रूपा का रूपांतरण होता है तो हमेशा क्या होगा, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी. मैकेनिकल एनर्जी चेंजेस काइनेटिक एनर्जी में होगा, नॉट इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल. पोटेंशियल काइनेटिक में होगा, ना कि काइनेटिक पोटेंशियल में. ऑलवेज दैट इज काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्जन होगा, इट इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक, नॉट इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल. मतलब पोटेंशियल काइनेटिक में होगा, काइनेटिक पोटेंशियल में ना होगा. ओके, पोटेंशियल इंटू काइनेटिक and then into that is work done.
पोटेंशियल ऑलवेज काइनेटिक में चेंज होगा। अब आ जाओ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत या थर्मोडायनेमिक्स का प्रथम नियम, वेरी इंपॉर्टेंट। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली चेंज इट्स फॉर्म और ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है बेटा, कि ऊर्जा का ना निर्माण हो सकता है ना ऊर्जा का क्षय हो सकता है, ऊर्जा सिर्फ एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित हो जाती है या एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है। इट वॉज फर्स्ट स्टेटेड बाई रॉबर्ट मेयर इन 1842। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत रॉबर्ट मेयर ने दिया है 1852 में, एंड इट वॉज फॉर्मली एस्टेब्लिश बाई हेल्महोल्ट्ज़। हेल्महोल्ट्ज़ ने इसको स्थापित किया, रॉबर्ट मेयर ने इसको 1842 में दिया है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वाज स्टेटेड बाय रॉबर्ट मेयर इन 1842 एंड फर्मली एस्टैब्लिश्ड बाय हेल्महोल्ट्ज़, व्हिच स्टेट्स दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली चेंज इट्स फॉर्म और ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। Very important point is that this law hold good in biological science also. Law of conservation of energy truly follow in biology. यह नियम जीव विज्ञान में भी पूरी तरह सत्य है बच्चों। Lavoisier, Antoine Lavoisier, अभी अभी chemistry की class शुरू होने वाली है। Chemistry I have not launched. Very soon I will launch it. Lavoisier ने क्या कहा था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया है लेवोजियर ने 1774 में है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, वेरी इंपॉर्टेंट। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास प्रपोज बाय लेवोजियर इन 1774। एंटोइन लेवोजियर को क्या कहते हैं बच्चों? फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री एंटोइन लेवोजियर। लेवोजियर ने दिया है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इन 1774। क्या कहता है कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सेम दैट इज एनर्जी। अब इसमें सवाल ये आता है कि अकॉर्डिंग टू अल्बर्ट आइंस्टीन, आइंस्टीन ने क्या दिया है? मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड वाइस वर्सा, ई इक्वल टू एमसी स्क्वायर, बहुत फेमस हुआ था। एनडीए का क्वेश्चन तो बेटा पूछा गया है कि दैट इज अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किसके लिए मिला है, बच्चे बताते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए, ई इक्वल टू एमसी स्क्वायर के लिए, सब गलत है। नो, ही गॉट नोबेल प्राइज ओनली वंस फॉर हिज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए मिला है, जो क्लास में मैं हमेशा बताते रहता हूं। ओके, तो अल्बर्ट आइंस्टीन का मास ने क्या कहा कि मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड वाइस वर्सा, मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड वाइस वर्सा का मतलब कि मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास, द्रव्यमान को ऊर्जा में बदल सकते हैं, ऊर्जा को द्रव्यमान में बदल सकते हैं। Thus, the law of conservation of mass and the law of conservation of energy have become one, which is called law of conservation of mass energy. है ना? अब आपको कोई दिक्कत नहीं है, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत और ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत को मिला के अब हम क्या कहते हैं कि that is द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी। आइंस्टीन का मैं स्टेटमेंट बता रहा हूं, अल्बर्ट आइंस्टीन द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट द वर्ल्ड हैज एवर प्रोड्यूस। अल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या कहा है कि आइंस्टीन प्री रिलेटिविटी फिजिक्स कंटेन टू कंजर्वेशन, लॉ ऑफ फंडामेंटल इंपॉर्टेंस कॉल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। रिलेटिविटी थ्योरी के पहले कहता है आइंस्टीन कि टू कंजर्वेशन का लॉ था, एक था फंडामेंटल इंपॉर्टेंस का जो था जिसको कहते थे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास,
and second law of conservation of energy, these two appear there as completely independent of each other. Through relative theory, they meld together into one principle. Relative theory ke dwara wo ek hi principle ho gaya. This was a statement of Albert Einstein. Again, I am saying Einstein relativity physics contain two conservation law of fundamental importance called law of conservation of mass and law of conservation of energy. थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सापेक्षता के सिद्धांत के पहले दो मूलभूत संरक्षण के सिद्धांत थे, एक द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत, दूसरा ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत. अब आइंस्टीन कहता है कि दिस टू अपीयर देयर एज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. ठीक है ना, जैसा लगता था कि दोनों एक दूसरे से अलग अलग है. रिलेटिव थ्योरी दे थ्रू रिलेटिव थ्योरी they melt together into one principle. सापेक्षता के सिद्धांत के द्वारा वो दोनों melt होके एक principle हो गए हैं. So this is all about बच्चों work or energy and that is potential energy, kinetic energy, law of conservation of energy हमने किया. Next class में maybe might be we will bring that is called thermodynamics जो आपके importance के लिए बहुत जरूरी है और power. ठीक है, तो एंजॉय दिस लेक्चर. दिस इज अतुल सिन्हा, थ्रेट इज फॉर्म अन अकेडमी में, मैं प्लस में, दैट इज एनडीए के लिए, सीडीएस के लिए, सीएपीएफ के लिए, एफकैट के लिए, ऑल एग्जाम के लिए क्लास ले रहा हूँ. यूपीएससी एंड सिविल सर्विसेज आई एम रनिंग माय ओन बैच, दैट इज फॉर ऑल जीएस पेपर. एंजॉय दिस क्लास एंड गिव द फीडबैक. And like it, subscribe it, spread it, bachcho. Bye bye. Milte hain next class.